इंद्र दमनेश्वर और माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की इस पावन भूमि के अभिनंदित धरती पे जिला प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन बार बार कोटि शत नमन है। जिले के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं चाहूंगा प्रसाद के अंदर बैठे सभी लोग शिला मंडल समारोह स्थल पर पहुंच रही है और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन जो है अब थोड़ी देर में किया जाएगा। बिल्कुल रिदम के साथ 1 2 3 4 5 1 2 आतुल करतल ध्वनि से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी मैडम का तुमुल करतल ध्वनि से जनता जनार्दन के द्वारा स्वागत किया गया है। और इस बीच किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत निश्चित रूप से हम सभी या हमारी स्वस्थ परंपरा रही है दीप प्रज्वलन करके नकारात्मकता को मिटाने हेतु अज्ञानता के अंधकार के उत्तम को हरने के लिए निश्चित रूप से उसे दैदीप्यमान करने के लिए दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी करते हैं। और माननीय मंत्री महोदया से मैं निवेदन प्रेषित करना चाहूंगा, साथ में जिला पदाधिकारी महोदय माननीय विधायक महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत। आप सभी साथ में क्लैपिंग करेंगे, क्लैप टुगेदर। और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी मैडम। नारी सशक्तिकरण के दौर में नारियां अब अबला नहीं है, वर्षों से हास्य की तरफ कटी हुई औरतें आज समाज बदलने का जज्बा लेकर हमारे सम्मुख खड़ी हैं। इसके संकल्प के भाव से निश्चित रूप से स्वच्छ बिहार स्वस्थ बिहार पौराणिक आख्यानों में भरे चंद्रगुप्त चाणक्य गौतम बुद्ध का आज अंतरराष्ट्रीय फलक पर अहिंसा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर महात्मा गांधी का बिहार फैन चला देंगे। ऑपरेटर से रिक्वेस्ट होगा फैन चला दें, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, आप प्लीज फैन चला दें, स्टेज का भी फैन। और अब मैं अपने माननीय जिला पदाधिकारी महोदय भारतीय प्रशासनिक सेवा से आदरणीय संजय कुमार सिंह सर से निवेदन करूंगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय राज्य के परिवहन मंत्री सर लखीसराय, जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी मैडम का स्वागत मोमेंटो और सॉल से करें सर। तालियां लगातार बजनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मोमेंटो देकर स्वागत। जिले के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि संग्रहालय जो इस जिले के जिला पदाधिकारी महोदय के सतत संयम निरंतर प्रयासों का नतीजा है और आज वह अपने मूर्त रूप में है। मोमेंटो में संग्रहालय को प्रदर्शित किया गया, यह एक भाव है, यह एक आस्था है, निश्चित रूप से आपके स्वागत का। और इसी कड़ी में अब मैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत भाषण से करें सर। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जिला पदाधिकारी महोदय आदरणीय संजय कुमार सर। आज लखीसराय जिला के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है जब हम लोग यहाँ इस जिला की स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1994 में जो आज 28 साल पूर्व हमारे जिला की स्थापना हुई थी और तब से जिला उत्तरोत्तर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैडम माननीय बिहार राज्य की परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मैडम, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समय दिया यहाँ आने का और यहाँ आकर
आपने हम सब लोगों का जो मान बढ़ाया है मैम, उसके लिए हम तहे दिल से आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं लगभग पौने दो साल से यहाँ हूँ और हम लोग कोविड के छाए में ही अपने जिले का जो इस तरीके का स्थापना समारोह है वो मना पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि प्रतिबंधों का दौर चल रहा था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज प्रतिबंध का दौर वो समाप्त हो चुका है और हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोरोना बीमारी जो महामारी है उस पर विजय प्राप्त की है। यद्यपि हमें अभी भी सचेत और सतर्क रहना है, अच्छी बात ये हुई है कि अभी तक हमारा जिला वर्तमान में कोई भी वर्तमान में भी जब कोविड का दौर बढ़ा है तो हमारा जिला अभी नेगेटिव रिपोर्टिंग है और हमारे ज़िले की जो स्वास्थ्य की टीम है वो भी सतत जागरूक रही है। आज भी हमारा कोविड का टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। मैम, मैं पुनः आपको यहाँ आने के लिए, हम सबका मानवर्धन करने के लिए, यहाँ के लोगों खास करके यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं आपको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज इस लखीसराय स्थापना दिवस के अवसर पे सूर्यगढ़ा के माननीय विधायक श्री प्रहलाद यादव जी, जो हमारे किसी भी कार्यक्रम में वो हमेशा मौजूद रहते हैं हम लोगों के साथ और हमेशा हमारा हौसला अफजाई करते हैं, मैं माननीय विधायक जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ लखीसराय जिला के जो तमाम जन मौजूद हैं, जो हमारी महिलाएं, हमारे जो यहाँ के जितने लखीसराय जिला के जो सज्जन जो मौजूद हैं, मैं आपको यहाँ आने के लिए और लखीसराय जिला को आज के दिन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में जो आपका योगदान है, मैं उसको आपके प्रति उसको एक तरीके से स्वीकार करता हूँ और आपने जो मेहनत की है जिस तरीके से, क्योंकि ये पूरे लखीसराय जिला के लोगों का ही परिश्रम का फल है कि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और आज जिला जिस स्वरूप में खड़ा है वो निश्चित रूप से एक अद्वितीय विकास के का सार्थक स्वरूप है। इसलिए आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद। अंत में जो मैं यहाँ पे आए हुए हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हैं श्री रामानंद मंडल जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं श्री साहू जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ आए हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और हमारे जिला के पदाधिकारियों जिसने उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, विभिन्न विभागों के द्वारा बहुत मेहनत करके स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ उन्होंने अपने अपने स्टॉल के माध्यम से जो उनके विभाग के माध्यम से जो विकास का कार्य किया जा रहा है उसका प्रदर्शन किया है, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को और विशेषकर मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि हमारे ज़िले में जो भी मैम कार्य प्रदर्शित हो रहे हैं, जो भी हम लोग बेहतर कार्य करते हैं, लखीसराय की मीडिया हमेशा आगे बढ़कर उसका प्रतिबिंबित उसको करती है, उसको प्रदर्शित करती है। इसलिए मीडिया के सभी प्रतिनिधि को भी विशेष रूप से धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से किसी कड़ी में जो आपकी आकांक्षा रही है, जो आपके सतत सम्यक निरंतर प्रयास रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिन विकास के आयामों ने यह जिला प्राप्त किया है, निश्चित रूप से वह अद्वितीय है और आने वाले समय में भी आपके सतत सम्यक निरंतर प्रयासों से हम सभी सफलता के नित्य नए आयामों को प्राप्त करते रहेंगे। और इसी कड़ी में सूर्यगढ़ा के माननीय विधायक आदरणीय प्रहलाद यादव सर से मैं निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन के दो शब्द कहें। सर, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के
माननीय परिवहन मंत्री शीला मंडल जी मंच पर उपस्थित, डीएम साहब, एसपी साहब, जदयू के जिला अध्यक्ष भाई रामानंद मंडल जी, जिले के तमाम पदाधिकारी कर्मचारी, चूंकि एक विभाग यहाँ पर नहीं, बहुत से विभाग हैं, और इस स्थापना दिवस में आए हुए सभी, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, व्यवसाय के लोग हो, किसान के लोग हो, विद्यार्थी हो, अन्य संस्था से जुड़े हुए लोग हो, मीडिया के भाई, सबों को इस शुभ अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक कामना करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इस जिला 94 में बना, जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, क्योंकि ये सारा मुंगेर से अलग होकर के जिला बनाया गया था, और निश्चित रूप से जो जिला बनाने का उद्देश्य था उसमें हम लोग सफल होते जा रहे हैं। इस सफलता में सिर्फ एक व्यक्ति को हम श्रेय देना नहीं चाहते, वह जिला प्रशासन का भी श्रेय है, जनप्रतिनिधि का श्रेय है, मीडिया के लोगों का श्रेय है, विभिन्न संस्थान के लोगों का श्रेय है, सबका सामंजस्य, सबका श्रेय के कारण यह जिला जो है आगे बढ़ रहा है। आज 28 साल का यह जिला हो गया है, तो आप जानते हैं कि 28 साल तो जवानी होता है, और जवानी जब रहता है तो निश्चित रूप से वो उसमें हर तरह का एक्टिविटी होता है, बहुत मजबूती से आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से लखीसराय जिला का विकास हुआ है, उसमें कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और लखीसराय हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आप देखे हैं कि जब कोरोना काल आया तो हम सब समझते हैं कि पूरे बिहार में लखीसराय में जिस तरह का जिला प्रशासन का, जनप्रतिनिधि का, पंचायत समिति प्रतिनिधि का, मीडिया का, सबका, हम एक आदमी को श्रेय देना नहीं चाहते हैं, इसमें सबों का सहयोग रहा, और यहाँ जो उस तरह का आफत आया तो बहुत बखूबी से हम लोग को यहाँ जो है समाज का सेवा करने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि और आगे बढ़े जिला, इसके लिए जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, मीडिया, अन्य संस्थान का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे के अलग रहते हैं तो हम समझते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी देख रहे हैं बाढ़ के समय है, बहुत जरूरी है, कभी भी देरा इलाका में बाढ़ आ सकता है, उसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय, हम देख रहे हैं कि बराबर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम सुझाव देना चाहेंगे कि आप जनप्रतिनिधि को भी बुलाइए। जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाते हैं, जनप्रतिनिधि हर जगह जाता है, उसको आइडिया रहता है कि कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं जरूरी है, तो निश्चित रूप से और बढ़िया बेहतर होगा। इसलिए जो उस तरह का काम है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, कोई भी विभाग हो, उसमें निश्चित रूप से सबों का सहयोग बहुत जरूरी है, और जहां विकास की बात हो, जहां जिला की बात हो, जहां जिला को आगे बढ़ाने की बात हो, तो निश्चित रूप से वहां पर भेदभाव और राजनीति
नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि इस जिला का और आगे विकास हो और यह जिला विकसित करे, तो निश्चित रूप से हम लोग को, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे कोई भी संस्था के लोग हो, सबों का सहयोग जरूरी है। और सबका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से जिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत बिंदुवार बहुत से विकास का योजना का जिक्र है, तो हम जिक्र उतना नहीं करना चाहते, हम इतना ही करना चाहते हैं कि जितना जिला का विकास होना चाहिए उतना अभी अधूरा है, इसलिए इसमें सामंजस्य बना करके हमको आगे बढ़ना है। और जब से जिला पदाधिकारी महोदय आए हैं, अच्छा काम किए हैं, हम समझते हैं पक्ष हो विपक्ष हो सब इनका बड़ाई करता है, हम मुँह पर इनको नहीं कर रहे हैं, सब कि सब की बात सुनते हैं, सबका जो वाजिब काम होता है, जो उचित काम होता है करते हैं। अब नए कप्तान, आपका पुलिस अधीक्षक जी आए हैं, इनसे भी उम्मीद करेंगे कम से कम न्याय दिलाने का काम करेंगे। थाना में लोग जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, लेकिन उसमें भी जो दिक्कत होता है उस पर निश्चित रूप से ध्यान रखें। बहुत से गरीब गुरबा आता है, उसको जितना इज्जत दीजिएगा, जितना आप भलाई कीजिएगा उतना आपका भी भलाई होगा। पहला हम लोग का रहता है जो निरी जो सहाय है उसको मदद कीजिए, और जो सहाय लोग हैं उनको कीजिए नहीं कीजिए वो कोई व्यवस्था कर लेता है, लेकिन जो निरी है उसके लिए निश्चित रूप से काम करना है। हेल्थ डिपार्टमेंट सुजगरा का बराबर शिकायत डीएम साहब आता है, हम यहाँ पर स्थापना दिवस पर हम निंदा नहीं करते हैं, हम इतना कहना चाहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी हम लोग उस डिपार्टमेंट अच्छे लोग हैं, खराब लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय नेचुरल स्वभाव से जो कुछ इधर उधर दायां बायां कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को से भी निवेदन है कि निश्चित रूप से वैसे लोग भी सही ढंग से अपना जनता को मदद करें, सेवा करें, ये मेरी प्रार्थना है, मेरा अपील है। तो जो लखीसराय स्थापना दिवस है, आगे चल करके हम चाहेंगे कि इससे और बेहतर हो और अच्छा हो, हम यही उम्मीद आशा लेकर के अपनी बात को समाप्त करने के पहले मंच पर जितने भी गणमान्य लोग हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो सामने बैठे हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और विभिन्न संस्था से जो लोग आए हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और मीडिया लोग को भी हम अपनी हार्दिक कामना करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये 28 वर्ष जो इस जिला का हुआ है, इस शुभ अवसर पर मैं आशा करता हूँ कि यह जिला और ज़्यादा उन्नति करे, प्रगति करे और समाज के लिए अच्छा हो, यही उम्मीद और कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और निश्चित रूप से जिस समता की बात आपने की है, हम सभी जिलावासी करुणा दया मानवता का संबल रखते हुए अक्षुण्ण रूप से उसका पालन करेंगे, उसके प्रति संकल्पित भाव से कार्य करेंगे। और जो संभाव की बात है, सबों की बात है, यह अपने जिले की विशेषता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भवेत्, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो, हर हाल में हम सभी करुणा दया मानवता का संबल रखते हुए मानवीय संवेदना और मानवीय मूल्यों के प्रति संकल्पित भाव से कार्य करेंगे, और आने वाले समय में जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन के सतत सम्यक प्रयासों के द्वारा यह जिला निश्चित रूप से निर्विघ्न रूप से अपने सफलता के नित्य नए आयामों को प्राप्त करेगा। और इस बीच आज के कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय, जो यह काल है निश्चित रूप से यह काल नारी सशक्तिकरण का है। वर्षों से हास्य की दरक पर टिकी औरतें आज समाज बदलने का जज्बा लेकर हमारे सम्मुख खड़ी हैं। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, बहुतेरे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें अव्वल पहले स्थान पर अभी भी जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें छात्राएं प्रथम स्थान पर हैं। तो यह दर्शाता है कि नारी सशक्तिकरण सिर्फ किताबों में या भाषणों में नहीं है, वह प्रत्यक्ष और मूर्त रूप में है। और साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि परिवहन विभाग बिहार सरकार का नेतृत्व करने वाली हमारी ये महिला हमारे बीच माननीय मंत्री यहाँ पे मौजूद है। आप स्वभाव से गंभीर हैं, संवेदना के धनी हैं, समाज पर आपके निष्पक्ष निर्भीक मानसिकता, आपकी सेवा परायणता, व्यक्तित्व और कृतित्व अनुकरणीय है। महोदया, आपके और सरकार के सतत सम्यक निरंतर प्रयासों के द्वारा पूरा बिहार आज नित्य नए सफलता के पायदानों को गढ़ रहा है, प्राप्त कर रहा है। निश्चित रूप से 28वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर लखीसराय जिला समाहरणालय माननीय मंत्री महोदय, सबसे पहले बस है इसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बिहार प्रदेश के गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात जिला लखीसराय, जहाँ प्रसिद्ध अशोक धाम, अभयनाथ स्थान, गोविंद बाबा स्थान, रिंगी श्रृंगी के आश्रम एवं अन्य अनेकों धार्मिक स्थल अवस्थित हैं, इस पावन धरती को मैं सर्वप्रथम वंदन और नमन करती हूँ। लखीसराय जिले के 28वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर जिला के प्रभारी मंत्री के नाते आप सभी जिला वासियों, जिला पदाधिकारियों, माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी, पुलिस अध्यक्ष श्री, समस्त विभाग के पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधि गण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधुओं तथा आयोजन के सफल बनाने में लगे सभी भाई बहनों, हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देती हूँ। मुझे जब लखीसराय जिला का प्रभारी मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया गया तो मैं कुछ पल के लिए सोचने लगी कि मुझे यहाँ प्रभारी मंत्री क्यों बनाया गया है। जिस प्रकार ईश्वर का निर्णय हमेशा सही होता है, इसी प्रकार मेरी आस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, उन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचकर ही मुझे इस जिले का प्रभारी मंत्री बनाया होंगे। यहाँ आने पर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि इस जिले का अतीत एवं वर्तमान दोनों काफ़ी समृद्ध है। यह जिला हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू तथा बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी की कर्मभूमि रही है। मुझे हर्ष हो रहा है कि जिला में कार्य करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। लखीसराय आज यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी हम लोगों ने देखा कि जो सभी बच्चाओं के जो स्टॉल लगाए हुए हैं, अभी प्रहलाद जी कह रहे थे कि भिन्नता होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का समाज के प्रति जो सोच और विजन है और जो योजना धरातल पर लाया जाता है वो एक एक व्यक्ति के लिए होता है, उसमें कहीं कोई भिन्नता का सवाल ही नहीं होता है। क्या सड़क बनता है तो कोई विशेष वर्ग के लोग ही चलते हैं, कोई सामुदायिक भवन का निर्माण होता है तो विशेष वर्ग के लोग नहीं रहते हैं, सब लोगों को उसका लाभ मिलता है। सड़क बनता है तो सब लोगों को लाभ मिलता है। आज देखिए कि आज लखीसराय का 3 जुलाई 1994 को इसका गठन किया गया। यह इस एक समय पाल वंश जो उस समय भी कुछ दिन पल के लिए राजधानी भी रहा है, इसका प्राचीन इतिहास भी रहा है। अंग देश के में जुड़ा हुआ था उस समय, प्राचीन समय में, और बौद्ध साहित्य में इसको अंगोत्री भी कहा जाता है। अंगोत्री का अर्थ होता है जिला। तो इसका इतिहास प्राचीन भी है और आज के डेट में वर्तमान भी। किसी भी जिला या राज्य के विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है? सड़क का होना, बिजली का होना, शिक्षित होना। तो आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
आज देखिए उनका जो सपना था कि किसी भी जिले से 5 घंटे में राजधानी पहुंचा जाए, तो आज आप किसी जिले से भी जाइए तो राजधानी आप 5 घंटे में एकदम सुलभ से आसानी से चले जाते हैं। तो ये सब विकास और उनके सोच का नतीजा है कि आज हर जिलों में हर सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है। जहाँ पहले सोचिए गांधी से गंगा पर कितना पुल था, आज के डेट में कितना है, तो एक एक दिशा में काम हो रहा है। उसके बाद आदमी विकास के लिए क्या चाहिए, बिजली की, तो हर घर में बिजली पहुंचाया गया। कल तक बिजली क्या था, 15 साल पहले सपना होता था, लोग 1 किलो 1.5 किलोमीटर के रेंज में भी एक बॉल बत्ती नहीं देखा करते थे। लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए, घर झोपड़ी का घर हो या महल हो, हर जगह बिजली दिखाई देता है। एक एक मंदिर पर आप 10, 15, 20, 50, 100 बॉल लगे रहते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट का ही नतीजा है, उनके सोच का है, जो उन्होंने कहा, जो उनका 7 निश्चय जो है समग्र प्रगति का चिन्ह बना हुआ है, उसी के तहत जो जो निर्णय लिया जाता है उसको हम लोग धरातल पे करने का, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, सबके लिए होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, चाहे वो अल्पसूचित जनजाति के लिए हो, जनजाति के लिए हो, अल्पसंख्यक लोगों के लिए हो, सभी वर्गों के लिए काम हुआ है। तो उनका जो सोच और विजन है समाज के प्रति, वो सबके लिए होता है। आप देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में भी, कल तक क्या था, बेटियां साइकिल को देखा करती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, बेटियां साइकिल पर चढ़ करके चल रही है और नया नया इतिहास कर रही है। कई लोग कहते हैं, कई बातें करते रहते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है, वैसे लोगों से मैं जरूर पूछना चाहूँगी कि क्या बच्चे बच्चियों के जगह पर क्या उनके माता पिता या भाई या कोई जाते हैं एग्जाम देने? आज देखिए पूरे बिहार में बेटियों का नंबर टॉप स्थान में आया है, सभी क्षेत्रों में बेटियाँ, इंटर का रिजल्ट हो, मैट्रिक का रिजल्ट हो, बीए का रिजल्ट हो, सभी जगह देखिए बेटियाँ आगे बढ़ रही है। तो एक एक दिशा में काम किया जाता है। और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही हो जहाँ, तो मैं इस बात से अछूते नहीं रहूँगी, मैं भी एक साधारण महिला हाउसवाइफ थी जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर देने का काम किया और आज आप लोग के बीच हम यहाँ उपस्थित हैं। तो पंचायती राज में जो कर्तव्य लोग सोच भी नहीं पाते थे कि मुखिया सरपंच कर बनने की बात, लेकिन आज देखिए हर जगह हर पंचायत में महिलाओं की भागीदारी और सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी बढ़ी, तो कैसे बढ़ा है, क्योंकि उनका जो सोच है कि सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, जमीनी स्तर पे जो लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उसको भी समानता का अधिकार मिले, इसी के तहत पंचायती राज में उन्होंने 50% का आरक्षण दिया। उसका परिणाम आज देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, जिला अध्यक्ष हो, सभी क्षेत्रों में बढ़ी है। पुलिस विभाग में भी देख लीजिए महिलाओं की भागीदारी, पहले क्या था, महिलाओं एका दुक्का महिला भी कहीं पुलिस विभाग में आपको दिखाई नहीं देती थी, आज के डेट में आप देखिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उसका परिणाम आप देखते हैं कि चौक चौराहे पे महिलाएं, अंगरक्षक हो, ट्रैफिक पुलिस हो, सभी जगह आपको उसकी भागीदारी नजर आ रही है। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, और जो 35% उन्होंने आरक्षण दिया उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं की भागीदारी उस दिशा में भी बढ़ा है। नहीं तो कल तक सोचते भी नहीं थे लोग बेटियों को कि इतना आगे बढ़ाने की, बेटा को पढ़ाने का सोचते भी थे, बेटी का तो सोचते भी नहीं थे। कल तक बेटियाँ क्या करती थी, उसके भाग में क्या होता था, चूल्हा और दूल्हा होता था, केवल चूल्हा और दूल्हा था, लेकिन रोटियाँ सेवा क्या करती थी, कोने में बैठ कर के सुबकती थी या रोटियाँ सेवा करती। लेकिन आज की बेटियाँ बदल रहा है भाग, उसका तस्वीर बदल रहा है, बढ़ रही हैं बेटियाँ, चढ़ रही हैं बेटियाँ। ये सब हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, इसी का परिणाम है। अभी बच्चों लोग का पेंटिंग का अभी कुछ जिला पदाधिकारी जी दिखा रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है जल जीवन हरियाली, उनका जो ड्रीम वर्क है, वो उस बच्चे के पेंटिंग में इतना क्लीन दिखाई दे रहा है कि कैसे उस बच्चे ने, इतना छोटा बच्चे में जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों तक पहुँचाना चाहते थे कि हमारे लिए कैसे धरती को हम सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे प्रदूषण से बच सकते हैं, तो हमको पेड़ लगाना है, तो बच्चे बच्चे में भी ये बात चला गया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये भी ये परिवर्तन ही हो रहा है, जो जहां हम लोग जिस चीज़ में बच्चे के अंदर जाने बच्चा कि नहीं पेड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये पेंटिंग्स में जो इतना क्लियर दिखाया है बहुत अच्छा लगा। और स्टॉल के माध्यम से भी जो आपने हर योजनाओं को दिखाया है जैविक खेती के बारे में, तो ये अच्छी बात है, लोगों से प्रोत्साहित करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और लखीसराय का जो यहाँ पे देखिए सब कुछ था, कृषि योग भूमि भी था, 12,065 था, और
86 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी उसका और 12,065 वहाँ जंगल बंद है। तो सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था, इसको डेवलप कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से आप लोगों ने अवसर दिया है उनको बिहार में सेवा करने का, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक योजना को धरातल पर लाने का काम किया है, जिससे लोगों का डेवलप, उसी का परिणाम है कि आज देखिए यहाँ अधिक मात्रा, इतनी अधिक मात्रा महिलाओं की भागीदारी भी है देखने को मिल रहा है। कितने अच्छे से सब लोग यहाँ पे बैठ करके सुन रहे हैं, ये तरक्की का ही तो निशानी है कि आज इतनी अधिक मात्रा में यहाँ महिलाएं उपस्थित है। कल तक महिलाएं कहाँ जा पाती थी भाषण सुनने के लिए, वो या तो टीवी में देखती थी नहीं तो किसी से सुन लेती थी। लेकिन ये उनके सोच और विजन का नतीजा है कि आज सशक्तिकरण जो महिलाओं में बढ़ी है, इसी का परिणाम है कि आज इतनी अधिक मात्रा में यहाँ महिलाएँ उपस्थित है। तो एक एक दिशा में काम हो रहा है जिसका परिणाम है। और लखीसराय हमेशा से अध्यात्म वाला देश रहा है, यहाँ प्राचीन भी रहा है और इसका इतिहास भी बहुत अच्छा है। और मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के प्रभारी मंत्री बनाए हैं और यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है सब अपना ही जैसा लगता है। ऐसे तो हम लोग पूरे बिहार के वासी सब एक हैं और हम लोग का लक्ष्य भी एक है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। कोटि सर धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से उड़ने दे उन्मुक्त गगन में अपना जाल बिछाना, हम बेटियां तैयार हैं, बदलेगा नया जमाना, बदलेगा नया जमाना। निश्चित रूप से छात्र छात्राएं जो हमारे समाज की आशा सुमन है, राष्ट्र की कर्णधार है, विश्व की प्रेरणा दीप है, उनके प्रति जो सजगता आपने दिखाई है, जो सचेतता आपने दिखाई है, निश्चित रूप से वह सफलीभूत होगा और मील का पत्थर साबित होगा। वो बच्चे बच्चियां अपने राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फलक पे अपना हस्ताक्षर मजबूत करेंगी। इसी आशा आकांक्षा मीमांसा के साथ सारे लोगों को जो हमारे 28वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के गवाह बने हैं, इस पल के साक्ष्य बने हैं, कुल 4 प्रकार के कार्यक्रम प्रतियोगिता के रूप में आयोजित की गई, जिसमें निबंध की प्रतियोगिता, पेंटिंग की प्रतियोगिता, मेहंदी की प्रतियोगिता, और निश्चित रूप से उनका रिजल्ट भी लगभग आ चुका है। और इस बीच बैंक की तरफ से हर विभागों ने अपने तरफ से उत्कृष्ट कार्य करने का सम्यक प्रयास किया है और साक्ष्य रूप में यहाँ पर बहुतेरे ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप में पुरस्कृत करके उनका मान वर्धन करने का कार्य आज माननीय मंत्री महोदया के द्वारा किया जाएगा।